नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित बीआरटीएस रोड पर 2 दिन पूर्व एक्टिवा सवार युवती की अन्य गाड़ी चालक की लापरवाही से गाड़ी को टर्न लेते समय टक्कर लगने के दौरान अस्पताल में उपचार के समय मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के कैमरे को फुटेज खंगाले जिसमें अन्य गाड़ी चालक की लापरवाही दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने टक्कर मारने वाले चालक के खिलाफ गाड़ी नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। हमें समय समय पर ट्रैफिक पुलिस बेहतर गाड़ी चलाने के लिए जागरूक करती है, लेकिन हमारी लापरवाही किसी के मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसी ही घटना सामने आई जहां अपने घर से ऑफिस जाते समय एक्टिवा चालक को ओवरटेक करते समय तनिष्क सलूजा उस समय हादसे का शिकार हो गई जब आगे चल रहा एक्टिवा चालक ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को टर्न किया, जिससे कि पीछे से आ रही तनिष्क सलूजा नामक युवती की गाड़ी स्लिप हुई हो तनिष्क डिवाइडर से जा टकराई, जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने पास के अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया था, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आज लापरवाही से गाड़ी चला रहे चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक्सीडेंट का मामला सामने आया, सीसीटीवी फुटेज में आया, क्या अपडेट आया उसमें अभी तक? एक बालिका है तनिष्क सलूजा, ये अपने घर से निकलकर ऑफिस के लिए जा रही थी, जिसका पलासिया चौराहे से थोड़ा सा पहले बीआरटीएस के पास में 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। इसमें बालिका की असामयिक मृत्यु हो गई, उसमें वाहन चालक MP09LL4380 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। ये बालिका अपनी साइड में गाड़ी लेकर जा रही थी और जो साइड में गाड़ी चला रहे थे उन्होंने गाड़ी अचानक चलते चलते राइट साइड में दबा दी, जिससे ये बालिका ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक के दौरान इनकी गाड़ी से टकराई, उसके कारण बालिका गिरी, उससे उसके सिर में इंजुरी हुई और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। क्या नाम था इसका? तनिष्क सलूजा। क्या करती थी ये? पढ़ती थी अभी और किसी प्राइवेट जगह जॉब कर रही थी और लॉ का इसने एंट्रेंस दे दिया था और उस कॉलेज में इसका एडमिशन होना बाकी था। सर, सीसीटीवी भी सामने आया, क्या नजर? सीसीटीवी फुटेज से ही ये पता चला है, वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही चला है पता है कि जो दूसरे वाहन चालक थे उनकी गलती थी, उन्होंने वाहन चलाते चलाते अपनी लेन छोड़कर बिना इंडिकेटर दिए बिना इशारा दिए राइट साइड में गाड़ी मोड़ दी, जिससे ये बालिका ओवरटेक कर रही थी, वो इससे टकरा गए और उसकी बालिका की मृत्यु। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? क्या नाम? ये MP09LL के जो गाड़ी नंबर बताया मैंने 4380 उसके चालक है, उनके खिलाफ दर्ज किया। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।